हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एडवाइस सुजाता। तो गाइस, ये है रश्मिका मंदाना मैम की जो पोर्ट्रेट हम बना रहे थे उसके ये पार्ट 3 है। इसमें हम जो भी थोड़ा बहुत काम पोर्ट्रेट में है, बाकी के काम वो हम इसमें दिखाएंगे, शेडिंग करना एंड इसमें क्लॉथ जो है उसका शेडिंग हम करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं जो नेक के थोड़ा बहुत शेडिंग बाकी थे वहाँ पर हम HB पेंसिल 2B पेंसिल का यूज़ करके हम कर रहे हैं एंड कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर ईयर बर्ड का स्मूथली इफेक्ट लाने के लिए, उससे ही हम यहाँ पर ब्लेंडिंग कर रहे थे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड जहाँ जहाँ पे मुझे रेफरेंस के अनुसार जहाँ पे मुझे और भी डार्कनेस चाहिए वहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ। हेयर के जो भी हिस्से बाकी थे वो भी हम इस पोर्ट्रेट में इस वीडियो में क्रिएट कर रही हूँ। तो देख लीजिए किस तरह से मैं इसको शेडिंग कर रही हूँ, देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पर थोड़ा सा जो राइट वाले हिस्से में थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में बैकग्राउंड बाकी थे वो भी हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर 2B से 6B तक पेंसिल का यूज़ की हूँ, 2B को ली हूँ एंड उसके बाद एक ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड की हूँ एंड देन फिर उसके बाद कॉटन बार्ड की यूज़ की हूँ क्योंकि वह से उससे स्मूथली इफेक्ट मिल रहा था एंड 2B 3B इस तरह से मैं 6B तक ली हूँ यहाँ पर पेंसिल के ग्रेड को। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ पर डार्क बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ पर आप डायरेक्ट किसी हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ मत करना, वहाँ पर थोड़ा बहुत एक लेयर चढ़ा के डार्क करना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्ट आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 10B या फिर 8B का यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। आप अगर एक ग्रेड का यूज़ करके करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं। जो भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग वर्क है वो मैं इस वीडियो में कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ पे डार्कनेस चाहिए वहाँ पर डार्कनेस एंड जहाँ पे इरेज करना है थोड़ा सा मैं वहाँ पर मैकेनिकल इरेजर की यूज़ करके इरेज कर रही हूँ। क्लॉथ के लिए गाइज यहाँ पर मैं HB पेंसिल का पहले यूज़ कर रही हूँ, HB के बाद 2B एंड जहाँ डार्क एरिया से वहाँ पर मैं 3B का ही यूज़ की हूँ, थोड़ा बहुत मैं 5B का यूज़ कहीं की हूँ एंड ब्लेंडिंग के लिए वही मैं ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लॉथ के डार्कनेस एरिया से उसके लिए मैं यहाँ पर 3B का यूज़ की हूँ। एंड जहाँ जहाँ क्लॉथ के जहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है आपको वहाँ पर मैं मैकेनिकल इरेजर की यूज़ की हूँ एंड क्लॉथ के जो टेक्सचर है उसके लिए भी मैं मैकेनिकल इरेजर का यूज़ की हूँ। आप लोग गाइस कमेंट पे ज़रूर बताना किस तरह से ये हुआ है, अच्छा लगता है कि नहीं, कितना हद तक रियलिस्टिक हुआ है, आप लोगों को रियलिस्टिक लग रहा है एंड कोई भी मिस्टेक वगैरह हो तो वो भी कमेंट पे ज़रूर बताना। ये पर हैंड के जो पोर्शन से उंगली उसमें मैं HB 2B एंड थोड़ा बहुत 3B का यूज़ की हूँ एंड सेम डार्क एरियाज़ के लिए मैं 5B का यूज़ की हूँ यहाँ पर।
तो गाइज आप देख सकते हैं किस तरह से ये पोर्ट्रेट मैंने सेटिंग की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक करना, एंड वीडियो किसी का हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, एंड जो मेरे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।